पारा की लड़की मेहरू शहजाद, ये दोनों जो 11 तारीख से नहीं 19 तारीख से जो फरार थे, आज इन्होंने आकर के मतलब अपने आप को सेव कर दिया चौकी प्रभारी के पास में। तो ये लोग के क्या मतलब स्थिति रही? ये दोनों अपने अपने बयान बताए हैं कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और 2014 को इन लोग दोनों अपने कहीं जाकर शादी कर लिए थे, आज वापस आ गए हैं। दोनों को बयान लिया गया है और चूँकि दोनों बालिग हैं, दोनों से पूछताछ में अपना बयान बताए हैं कि अपने अपने स्वेच्छा से गए थे। जैसे अब लड़की के पिताजी 19 तारीख को थाना मोधा पारा में गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कराया है। इस आधार पर लड़की के पिताजी को और लड़का के पिताजी को सुप्रदमित किया गया है और दोनों को समझाइश भी दी गई है। चूँकि दोनों इसी समुदाय के हैं तो आपस में अपने सियान से बैठ कर अपने समझौता करके आगे चल रही है। इसमें जैसे दोनों बालिग हैं और दोनों विवाह कर लिए हैं और प्रमाण पत्र जो इन्होंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं पुलिस के समक्ष, तो उससे क्या ऐसा नहीं प्रतीत होता कि ये दोनों को स्वेच्छानुसार मतलब ना लड़की वाले ले जाएं, लड़की को ही नहीं, ये अलग से नहीं कह सकता? नहीं, अपन तो बोले दोनों स्वतंत्र हैं, आप जाइए करके जी, तो लड़की को पिताजी ले गए, लड़के को पिताजी ले गए। अच्छा, और इसमें एक चीज़ ये है सर कि मान लीजिए अगर कहीं लड़की को प्रताड़ित करते हैं, जैसे कि अभी लड़के का कहना है कि वो नहीं जाना चाहती, मतलब जबरन उसके पिताजी ले जा रहे हैं, तो नहीं, 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 जबरन कैसे, अब सबके सामने जा रही है तो जबरदस्ती कैसे ले जाएगी? आप पिताजी है, पिता तो पिता पिताजी होता है।